हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा ने अब अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से ब्रेकअप कर लिया है। ये न्यूज तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है काफी शॉकिंग, क्योंकि शरद मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड पूजा बिष्ट ने खोल दी है उनकी पोल। जी हाँ, जमाने के सामने पूजा ने शरद के झूठ से उठा दिया है पर्दा। क्या हुआ नहीं समझे, दरअसल पूजा ने शरद से ब्रेकअप पर तोड़ दी है चुप्पी और जमाने के सामने शरद को बताया है धोखेबाज। जी हाँ, पूजा की माने तो शरद उन्हें काफी दिनों से धोखा दे रहे थे। शरद छुप छुप कर किसी और लड़की से मिला करते थे और तो और शरद का बर्ताव भी 6 महीने से काफी बदल गया था। इसी के साथ पूजा ने यह भी कहा है कि शरद उनके साथ अपने रिश्तों को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मम्मी ने ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाई थी और उनकी मम्मी ने बताया था कि ज्योतिषी ने कहा है कि अगर पूजा शरद की जिंदगी में रहती है तो उनकी लाइफ का जो करियर है वो चौपट हो जाएगा। और इसी चक्कर में शरद चाहते थे पूजा से दूरी बनाना, लेकिन आपको बता दें वही दूसरी तरफ शरद ने भी इस मामले पर सफाई दी है और शरद ने माना है कि उन्हें शादी का फोबिया है। खबरों की माने तो शरद ने मम्मी की बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन वो चाहते थे सेटल होना पूजा के साथ, लेकिन उनका जो फोबिया है शादी को लेकर उसकी वजह से वो पूजा से दूर होते गए। इसी के साथ साथ शरद ने अपने अफेयर की खबर को भी झूठा बताया है। फिलहाल इन दोनों में आखिर कौन सच है और कौन झूठा ये तो यही जाने, लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि पूजा सरस संभल कर रही, कहीं ऐसा ना हो फिर से आपको मिल जाए धोखा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।